दोस्तों देखिए ऑलरेडी बारिश स्टार्ट हो चुकी है क्या भाई? कहाँ गए भाई तू? पीछे बैठे हो भाई? बारिश ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, बारिश की कैंपिंग करने के लिए हम निकले हैं। ये भाई साहब जो हमारे दोस्त है, ये अक्सर हमको कहीं पे जहाँ पे कैंपिंग करना जाना होता है ना, वहीं पे छोड़ दिया करते हैं। तो आज भी एक जंगल के पास ये छोड़ने जा रहे हैं हमें, वहाँ से हम चल के जाएंगे। करीब 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर से चलना पड़ता है ना भाई? हाँ भाई, तो चल के जाना होगा हमको। होपफुली बारिश ऐसी ही बनी रहे, बंद ना हो, है कि नहीं भाई? थोड़ा प्रेयर करो बारिश बनी रहे भाई हमारे पहुँचने तक, टेंट वेंट सेटअप करने तक, ताकि बारिश का कैंपिंग का मजा हम भी ले सके और हमारे दर्शक भी ले सके। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं हम और कैसे कंडीशन में कर रहे हैं हम भाई, भाई। जैसे कैंपिंग करने आए भाई और क्या करेंगे वो भी बारिश में। बारिश टपर 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 हो रही है अभी, मतलब बीच में जो रास्ते में आपको दिखाया था तो थोड़ा थोड़ा हुआ, अभी यहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो गई है अभी बारिश, लेकिन होपफुली और भी आएंगे ज़ोरदार बारिश, क्योंकि बादल अभी भी काफ़ी हैं, बहुत सारे देखिए ऊपर घने बादल। और हम जहाँ पे आज कैंपिंग करने वाले हैं वो भी है एक रेन फॉरेस्ट, है कि नहीं भाई? वैसे पहले भी मैंने यहाँ पे एक सोलो कैंपिंग किया हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर लोकेशन पहचान सकते हैं कि नहीं, देखिए बढ़िया लोकेशन है। पीछे की तरफ ना बहुत ही एक बड़ा घना जंगल है, तो वाइब्स अच्छे आएंगे, मज़ा आएगा यहाँ पे कैंपिंग करने में। अभी देखिए बारिश तो अच्छे से हो रही है, अभी थोड़ा सा जोर भी पकड़ना स्टार्ट कर दिया अभी, तो क्या करें, टेंट वेंट सेटअप कर ले। चलो फटाफट से रख के टेंट वेंट सेटअप करते हैं, फिर अंदर जाके बारिश के मज़े लेंगे भाई हम सब मिलके, आप मैं और ये भाई। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं बारिश रुकी हुई है थोड़ा, हालांकि फिर से बाद में आ सकती है ज़ोरदार बारिश, क्योंकि प्रेडिक्शंस काफ़ी है। तो टेंट वेंट तो हमारा सेटअप हो चुका है अभी,
फिलहाल हम सोच रहे हैं अंदर ही सारा काम करेंगे, जो खाना पकाना चाय वाय बनाएंगे सब कुछ, क्योंकि बारिश का कुछ कह नहीं सकते। अभी बाहर खाना बनाने जाएंगे या फिर चूल्हा उल्हा सेटअप करेंगे, फिर बाद में बारिश टपक पड़ेगी तो फिर से शिफ्टिंग करो अंदर, सारा सामान समेटो अंदर लेके जाओ, ये डबल डबल काम हो जा रहा है ना, तो इसलिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा फिर से। इसीलिए हमने सोचा अंदर ही सारा काम करेंगे, है कि नहीं भाई? हाँ भाई, ये सही बात है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ कुछ काजू के पेड़ देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ काजू देखिए भाई पेड़ में लटके हुए हैं। तो हम सारा भाई देखो, तो हम क्या सोच रहे हैं, इनको लेके जाएंगे, आज का जो आइटम बनाएंगे डिनर में उसमें थोड़ा सा कुछ नए तरीके से मिला के बना लेंगे उसको खा लेंगे, है कि नहीं भाई? नेचुरल चीज है ना। तो भाई रेडी हो तो? हाँ रेडी है भाई। तो दोस्तों अभी फिलहाल हम अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं आज कॉफ़ी बना लूँगा, थोड़ा आलसी आलसी लग रहा है मुझे, चाय वाय नहीं बना सकता भाई आज, मैं कॉफ़ी में काम चला लो। ब्रेकफास्ट में वैसे क्या लाए हो आज भाई? प्याज लाया हूँ भाई। प्याज ब्रेकफास्ट में? प्याज कॉफ़ी के साथ प्याज खाएंगे क्या? प्याज के साथ ओहो ये लाया हूँ भाई, देखो नमकीन लाए हैं। अच्छा नमकीन और मेरी गोल्ड प्लस वाला बिस्किट भाई। चलो मतलब ओ अच्छा अच्छा अभी समझा, प्याज काट के नमकीन में मिलाएंगे, नमकीन प्याज और बिस्किट के साथ कॉफ़ी, बढ़िया है भाई, मज़ा आ जाएगा। हरी मिर्च भी है भाई? हरी मिर्च नहीं खाऊंगा भाई मैं तो, बार बार हरी मिर्च क्यों खिला रहे हो मुझे, समझ भी नहीं आता। पता है ना सुबह सुबह कितना प्रॉब्लम होता है मुझे ये हरी मिर्च की वजह से। टैबलेट है ना भाई मेरे पास? नहीं तुम्हारा टैबलेट नहीं चाहिए भाई मुझे और मेडिसिन भी नहीं खा सकता मैं, वैसे मैं आयुर्वेदिक चीज़ों में विश्वास रखने वाला हूँ, ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह नहीं खाता मैं, अवॉइड करते रहता हूँ। तो चलिए अब तो आज का स्टोव देख रहे हैं ना भाई, कौन सा वाला स्टोव? हाँ शुद्ध देसी स्टोव भाई, टमाटर जैसे लाल भाई, टमाटर जैसे लाल वैसे टमाटर तो अभी महंगे हो रखे हैं, इसलिए टमाटर के कलर वाले स्टोव से ही काम चलाना पड़ता है भाई। टमाटर तो सोने के भाव में बिक रहे हैं भाई। हाँ सोने या हीरे के भाव में बिक रहे हैं भाई, पता नहीं कितने दिन और ऐसे चलेंगे, इसीलिए हम टमाटर यहाँ कैंपिंग पे भी नहीं ला पा रहे हैं भाई, क्या करें बोलो। क्या भाई हाथ में तो एक फूटी कोड़ी भी नहीं है और 120 कहाँ से लेके आऊँगा भाई? वही तो जला भाई। पानी किधर है भाई? भैया कॉफ़ी तो रेडी है, तो बिस्किट भी फाड़ लेते हैं। हाँ फाड़ ले रहे तो यहाँ से बुला लेना मुझे। हाँ मिला लोगे? हाँ मिला लो, बढ़िया लुक तो है। चलो बिस्किट भी रेडी है, कॉफ़ी भी रेडी है, तो प्याज का मज़ा आ गया तो भाई मस्त दिख तो रहा है, अभी खाने के बाद पता चलेगा भाई। इसे मिलाऊंगा बढ़िया। थोड़ा भाई गर्मा गर्म कॉफ़ी मजे लो कॉफ़ी के। हाँ भाई बारिश में तो ठंडा हो गया है, जिसके डालना है तो तैयार है। चलिए सर और तो पार्ले जी खाते थे, अरे मेरी बिस्कुट खा रहे थे भाई, पार्ले जी खा खा के बोर हो गया भाई। वो फेवरेट था तुम्हारा?
बोल कैसे होंगे? अरे वाह, नमकीन भी बढ़िया है। प्याज के साथ तो और भी अच्छा लगा। वो नमकीन मिक्सर कहाँ से लाया बोलते हैं? कहाँ से लाया? ये हमारा फंक्शन के लिए लाया था भाई। ओ हो बता, तुम्हारे से बड़े भाई के फैमिली फंक्शन था उसके लिए लाए थे? अरे वाह, तो चार्ज मार लिया तुमने भाई। इतना बड़ा बड़ा मिक्सर भाई, मस्त है भाई नमकीन। तो दोस्तों अभी थोड़ा बाहर भी निकल के देखा हमने क्या हालचाल है बाहर का मौसम का, थोड़ा जायजा लेंगे सोचा। बादल तो काफ़ी है, डार्क डार्क बादल, लेकिन ये सब ना मानसून वाले बादल है। मानसून वाले बादल में दिक्कत क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेवी रेन नहीं मिलेंगे, मतलब कंटिन्यूसली। जैसे समर के मौसम में अचानक से जब बारिश आ जाएगी ना, तो कंटिन्यूसली ज़ोरदार बारिश हो जाएगी एक घंटे के लिए या फिर डेढ़ घंटे के लिए। लेकिन मानसून टाइम में ना ऐसे नहीं होते, यहाँ पे हल्के हल्के छींटे गिरेंगे, कभी कभी बारिश के बूंदे गिरेंगे, कभी कभी पाउडर जैसे बारिश गिरेंगे, और कभी कभी ज़ोरदार बारिश भी गिर जाएंगे। तो हमें बस अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करना चाहिए, जब अच्छे बारिश मिल जाए तब हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, हम भी एंजॉय कर लेंगे। और जब तक अच्छे बारिश नहीं होते तब तक ऐसे हल्के हल्के बूंदाबांदी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी सुन सकते हैं आप लोग यहाँ पर टेंट के ऊपर थोड़ा 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 हल्का पाउडर जैसे बारिश गिर रही है कि नहीं, देखिए। सुन पा रहे हैं ना, हल्का हल्का ड्रॉप गिर रही है, हल्का हल्का तो हो रहा है। जैसे जंगल एरिया है, रेन फॉरेस्ट जैसा, पीछे भी घना जंगल है, तो मेरे ख्याल से ये जंगल अगर रेन को अट्रैक्ट कर लेगा ना, तो फिर जल्दी बारिश हो जाएगी। आसार तो ऐसे लग रहे हैं क्योंकि हवा भी तेज तेज चल रही है, देखो पीछे। तो भाई हमारे अभी तैयार है काजू काटने के लिए। हाँ भाई, कैसे काटते हैं भाई, जरा दिखाओ हमारे दर्शकों को भी। ऐसे निकलते हैं भाई, इसका तो क्या बोलते हैं, जॉइंट हो गया है क्या ये? जॉइंट नहीं, इसका फल है भाई। अच्छा अच्छा, काजू फल। अच्छा, उसका फल है। फल को ऐसे तोड़ देना है। अच्छा, फिर इस साइड में रख देंगे, इसको ऐसे रख के देख के काटना पड़ेगा भाई। ऐसे हल्के हल्के, बढ़िया। तो काजू निकल गया, मस्त काजू है भाई, देखो। तो देख के काटना पड़ता है भाई। हाँ, गलती हो गया ना, फिर गलती की गुंजाइश नहीं है यहाँ पे। देख के करना पड़ेगा भाई। इसको ना, हाँ, इसका रस, हाँ, हाथ में लेंगे तो चमड़ी थोड़ा थोड़ा निकल गई निकल जाता है। अच्छा अच्छा, इसको ग्लोव या फुलतीन वगैरह इसको पेन लगा के काटना पड़ता है ना। हाँ, लिक्विड निकलते हैं इसमें से, ये हाथ के ऐसे मतलब छिलके जैसे निकल जाएंगे हाथ से, चमड़ी उधर जाएगा लगता है थोड़ा थोड़ा, इसलिए थोड़ा देख के प्रिकॉशन लेके ही काटना चाहिए। मैं खाली में काट रहा हूँ, तो फुलतीन या ग्लोव लगा के ये काटना चाहिए, आमतौर पर ऐसे ही काटना चाहिए जी। भाई अभी बारिश स्टार्ट हो गई अभी, थोड़ा ज़ोरदार होने लगी अभी। लगता है अंदर जाना पड़ेगा, या तो ये जीप वगैरह बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अंदर पानी घुसने के चांसेस है भाई। तो भाई लाइट भी लगा लेते हैं अंदर। लाइट है, काम स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों देखिए, चिकन रेडी है मैरिनेट करने के लिए। जो जो हम इस्तेमाल करेंगे वो मैं दिखाऊंगा एक नज़र आपको। चिकन रेडी है, और यहाँ पर देखिए चिली फ्लेक्स भी थोड़ा डालेंगे, दही यानी कि कर्ड भी रेडी है, और ये है कॉर्नफ्लोर जिसमें मिला के हम इसको तलेंगे, और सारे मसाले वगैरह है, हल्दी पाउडर, मसाले पाउडर, नमक वगैरह सब एक एक करके इसमें अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ी देर मैरिनेट करके करने के बाद इसको तलना स्टार्ट करेंगे। तो भैया थोड़ा सा कर्ड डाल रहा हूँ। डाल दो, देखो हो जाएगा क्या इतना? अभी थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल दे रहा हूँ। हाँ डाल दो भाई, हो जाएगा। अभी डाल लेंगे थोड़ा हल्दी पाउडर, मसाला पाउडर, नमक, हो जाएगा तो भाई। हाँ हो जाएगा भाई। ये भी एक दूसरा टाइप का मसाला पाउडर डाल रहा हूँ, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा।
अभी क्या डालें? कॉर्न फ्लोर? हाँ कॉर्न फ्लोर डालो। चलिए कॉर्न फ्लोर भी डाल दे रहा हूँ, देखना है मुझे बताना कितना डालना होगा। देखो इतना होगा। हाँ हो जाएगा इतना। अभी लास्ट बट नॉट द लिस्ट नींबू निचोड़ लेंगे भाई थोड़ा सा। मिला लेता हूँ भाई। हाँ भाई क्या यार आज मैं तुम्हारा डायलॉग मार दिया। हाँ भाई मस्त से हो रहा है भाई, मैजिशियन हो रहा है। मैजिशियन क्या है भाई, मेरे लेसन बोल रहे हो क्या? ओ भाई अरे भाई खुशबू भी बढ़िया आ रही है अभी से ही। हाँ मस्त अच्छे से मिल गए। हाँ मस्त मिल गए भाई। थोड़ी देर ये मैरिनेट हो जाए इसके बाद यहीं पे ही तल लेंगे इसको। बढ़िया हो गया भाई मुझे कितने अंदर लगे। हाँ चलो आखिरकार बारिश तो आ ही गई, अरे बारिश का मज़ा लेते हुए काम करेंगे भाई, मज़ा आ जाएगा। बारिश तो बढ़िया हो रही है, टपर टपर हो रहा है देख रहे हो। तो आज का काम स्टार्ट करें भैया। स्टार्ट करो भैया। क्यों आग नहीं पकड़ रहे भाई, इतनी मुश्किल से पकड़ रहे हैं आग। ज़्यादा दिन हो गया ना, स्टॉक रो गया इसीलिए खराब हो गया क्या? नहीं अच्छा है, ठीक है। पैन थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद इसके अंदर तेल डालेंगे भाई, या क्या बोलते हो? हाँ भाई तो भैया पैन हाँ? गर्म हो चुका है अभी। मैं तेल देखिए एक बोतल पूरा खाली कर दूंगा यहाँ पे, नहीं तो तलना नहीं होगा ना। पूरा अच्छे से डूब के तलेंगे ना, डुबा डुबा के। हाँ तो भैया तेल तो गरम हो चुका है लगता है। हाँ भाई डाल के देखूं क्या? एक पीस डाल दो। हो रहा है भाई लगता है। भैया मुझे लगता है अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देख रहे हो कलर भी आ गया थोड़ा थोड़ा। निकाल लूँ? हाँ निकाल लो भाई। तो भैया जब तक वो तेल ठंडा हो रहा है तब तक चावल बना लेंगे, है कि नहीं? हाँ बना लो भाई। राइस हो जाएगा तब तक वो तेल भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बाकी का तेल निकाल लेंगे और उसमें चिकन बना लेंगे। पता है अभी मैं क्या करने वाला हूँ? क्या करने वाला भाई? देखो चावल लाया हूँ। हाँ अभी अरे पकड़ने तो आ भाई, मुट्ठी मुट्ठी करके दो मुट्ठी चावल डालूँगा। ये मुट्ठी चावल की कीमत तुम क्या जानो हरी बाबू? ये बिरयानी चावल है, ये सादा चावल है भाई? ये नॉर्मल चावल है भाई, बिरयानी चावल नहीं है ये। आम आदमी है भाई, हम आम चावल ही खाएंगे। धो के पका रहे हो कि बिना धो के पका रहे हो भाई? धोने की जरूरत नहीं भाई, पैकेट वाला चावल है ये, अच्छा चावल है। इतना डाउट करने से चलेगा क्या? क्या भाई तुम हर बार डाउट करते रहते हो। अभी ढक देता हूँ मैं। तो भाई लगता है राइस हमारा तैयार है, खोल के देखो प्लेट। खोल के देखो भाई कैसे निकालो भाई, ये प्लेट को निकालना मुश्किल का काम है। देखो हाँ हो गया भाई राइस, तो क्या करें उतार दे। हो गया, अभी रख देने से थोड़ा सा पानी निकाल देने से हो जाएगा लगता है। तो भैया तेल तो गर्म हो चुका है, अभी जो वही तेल बचे थे ना उसमें ही बना लेंगे। हाँ
थोड़ा जीरा धनिया भी डाल लेते हैं भाई इसमें, सही कर लेंगे। हाँ भाई, टमाटर तो 120 किलो हुआ है, इसीलिए सॉस ही डाल दे रहा हूँ मैं अभी। अच्छा क्या भाई, केचप में काम चला लेंगे। हाँ, ये हुई ना बात। दिमाग लगाया ना। हाँ, तो दांत देते हो ना मेरे तेज तरार दिमाग को। हाँ भाई, तो हमेशा दांत दे देते हो, खाओगे कैसे भाई तुम? इतना दिमाग कहाँ से लाते हो भाई? ये बचपन से मेरा क्वालिटी है भाई। हाँ। वैसे तुमसे भी कुछ कुछ ट्रेनिंग लिया ना मैंने। हाँ हाँ। बीच में। हाँ। इसलिए बढ़ गया भाई। वहाँ पे काला सॉस डालोगे क्या? सोया सॉस बोलते हो? हाँ। पहले काजू डाल के उसके ऊपर डाल लूँ? हाँ डाल लो। देखो भाई काजू, जंगल का काजू भाई, कैसा दिख रहा है? हाँ मस्त मस्त। ठीक है डाल दिया, देखो अभी गड़बड़ी तो नहीं हो रहा इसमें कुछ? नहीं भाई। फिर मुझे ना कहना, चलो तुम्हारी विश भी पूरी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा सोया सॉस भी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, हो जाएगा तो? हाँ हो जाएगा, फ्राई कर लेंगे इसको। मस्त हो गया भाई अभी तो। हाँ भाई, खुशबू भी बढ़िया आ रही है अभी से। हाँ। अभी क्या करें, चिकन डाल दें? हाँ डाल दो। ये देखो मस्त चिकन। तो अभी थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा मसाला पाउडर भी डाल देंगे, और आखिर में थोड़ा सा नमक। पहले से तो चिकन में नमक डाला था ना हमने मैरिनेट करते वक्त, इसलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। तो भैया पानी भी डाल दो भाई। हाँ डाल देता हूँ, इतना हो जाएगा तो चिकन को उबलने में? हाँ हो जाएगा, थोड़ा चिकन भी उबल लेगा, अच्छे से पक जाएगा, और हमारा जो काजू है। हाँ वो भी अच्छे से उबल के पक जाए तो और कुछ नहीं चाहिए फिर। हाँ भाई, मोटा ग्रेवी बनाएंगे थोड़ा। हाँ ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं बनाना है, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ। क्योंकि साथ में हमारे दही भी है, और हमारे साथ जो कल बिरयानी का जो सीजनिंग भी बच गया था ना, रायता सीजनिंग, वो सीजनिंग और एक हरी मिर्च डाल के दही को थोड़ा सा मोटा दही बना लेंगे, उसको राइस में मिला के खाएंगे, इसको मसाले की तरह चक चक के खाएंगे, मज़ा आ जाएगा भाई। हाँ भाई। तो इसको भी ढकना पड़ेगा, ढक दो। अभी हो जाएगा। तब तक क्या करें भाई, थोड़ी देर लेट लें क्या? हाँ तब चलो चिकन को जब तक पक रहा है तब तक लेट लेते हैं। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया भाई। और क्या भाई, फिर से आज गाना सुनोगे क्या? आज नहीं भाई। इतने बड़े सिंगर हो, गाओ भाई। मेरा बेसुरत आवाज कौन सुनेगा भाई? तुम्हारा खूबसूरत आवाज है भाई, किसने बोला तुम्हारा बेसुरत आवाज है? मेरा आवाज तो कोयल की जैसा नहीं है भाई। तो कोयल की जैसा चाहिए भी नहीं भाई, इंसान की जैसे गाओ। तो भैया। हाँ देख रहे हो कितना मस्त ग्रेवी बन गया, मोटा मोटा ग्रेवी। मस्त तो दिख रहा है भाई, देखो ऐसे मोटे ग्रेवी में मसाले मस्त पक गए हैं, काजू वाजू भी अच्छे से पक गए हैं लगता है। खुशबू देखते हैं भाई, गैस बंद करता हूँ तेरे को। हाँ बंद कर दो भाई। बंद कर दिया। आ हा हा हा, देखो भाई क्या खुशबू है भाई, सच में मज़ा आ गया आज तो। मस्त ग्रेवी बने, मुझे लगता है तुमको पसंद आएगा भाई। अभी इसमें देख रहे हो ना, देखो इसमें दही है, थोड़ा सा पानी इसमें डाल लेंगे, और उसके बाद ये वाला सीजनिंग जो कल का बिरयानी का बच गया था ना, ये डाल लेंगे, और थोड़ा ये जो हरी मिर्च देख रहे हो ना, ये निचोड़ लेंगे इसमें। तो मसाला डाल दो? हाँ डाल दो। तो अच्छे तो लग रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी मिला लेता हूँ इसमें, हो जाएगा तो राइस के लिए अपने। हाँ हो जाएगा, मिला लूँ इसमें। हाँ मिला लो। देखो इसके
सीड्स देख रहे हो ना, वैसे इसके सीड्स खाना अच्छा है सेहत के लिए। पूछो क्यों? क्यों भाई? क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं भाई। तो भाई सब कुछ तो रेडी है। हाँ भाई परख लेते हैं अभी। हाँ परख लो भाई। भाई सुन रहे ना? बारिश आ गई और फिर से लग रहा है। फिर से बारिश आ रही है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है अभी। थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है टपर टपर करके। अच्छा है, हमको रिलैक्सिंग लगेगा रात में सोने में, बढ़िया मज़ा आएगा, है कि नहीं भाई? हाँ भाई, वैसे आप सबको भी होपफुली मज़ा आएगा ऐसे। हाँ। बारिश के साउंड सुनते सुनते टपर टपर वाली थी। खाना भी मस्त है, चिकन को पूरा छान के बनाया ना। हाँ जो अच्छे से तल लिया हमने, काजू उससे अच्छे से फ्राई हो गया और मस्त बन गया भाई। देखो भाई मस्त दही। चलो थोड़ा रहने देते हैं, बाद में खाएंगे इसको। अभी चखो, टेस्ट और भी बढ़ गया होगा लगता है। बढ़िया है, ला आ गया भाई, ला जवाब भाई। वैसे बैटरी ख़त्म होने से लाइट की पावर थोड़ी कम हो गई भाई। हाँ भाई, ये लाइट की बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। इसे काफ़ी देर से जला था। लेकिन क्या कर सकते हैं, सिंगल बैटरी है ना। डबल बैटरी होता तो और ज़्यादा टाइम जलता। तो चिकन थोड़ा चक के देखिए भाई। भाई वही बोलने वाला था, चक के देखो। जवान से छीन लिया तुमने, चक के देखो भाई। चलो मैं थोड़ा पहले काजू ट्राई करता हूँ। करते रहो, मैं चिकन ट्राई कर रहा हूँ भाई। काजू तो मस्त है, चिकन तो भाई लाजवाब है। चलिए मैं भी अभी चिकन ट्राई करता हूँ। वाह क्या लजीज बने हैं यार। मज़ा आ गया, इतना लजीज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे दोस्तों काफ़ी रात हो चुकी है, अभी अंधेरा भी हो चुका है। अब बारिश हल्की हल्की बीच बीच में आ रही है, टपर टपर गिरा के चली जा रही है, मतलब बादल उड़ रहे हैं ना, फ्लो हो रहे हैं पूरा। बीच बीच में हवा भी चलती रहती है इसी वजह से। तो मुझे लगता है ओवरनाइट भी रेन हो सकते हैं आज, प्रेडिक्शंस भी है और कंडीशन बाहर देख के भी पता लग रहा है। तो हो सकता रात में भी ओवरनाइट बारिश हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम तो अंदर पूरा सेफली हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा तो लग रहा है हमको, इतना ठंडी भी नहीं इतना गर्मी भी नहीं, ठीक ठाक है वेदर। आज का मौसम अच्छा लगा मुझे। तो फटाफट से डिनर करने के बाद लेट जाएंगे भाई, थक गए हैं बहुत। हाँ भाई, हाँ भाई खाने के लिए तैयार हो? हाँ भाई। अच्छा से खाना भाई, तो सब हमने बाहर के हमारे जो फर्स्ट रूम है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। यहाँ पे अभी काफ़ी स्पेशियस हो रखा है, कंफर्टेबल भी है। हाँ भाई अच्छा लग रहा है ना। हाँ अच्छा तो लग रहा है। मुझे तो इतना ठंडी अभी नहीं लग रही, इसीलिए मैं स्लीपिंग बैग के अंदर नहीं जाऊँगा। रात को ठंड पड़ती है तो देखते हैं अंदर घुस जाऊँगा फिर। हाँ भाई वैसे भी तो डबल टार्प डाला हुआ है, ये थोड़ा स्पॉन्जी भी है, अच्छा लग रहा है बेड के जैसा ही। मज़ा आ गया भाई खाना खाने के बाद, चैन की नींद सो जाएंगे भाई। हाँ अच्छा लग रहा है ना। हाँ थकान के बाद जब काम दाम करके सब खत्म हो जाता है, सोने का मजा ही कुछ और है भाई। गिरते ही नींद आ जाएगी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बस रिलैक्सिंग फील हो रही है मुझे अभी। ठीक है दोस्तों सो रहे हैं हम, तो गुड नाइट तो बोलो भाई। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट, टाटा दोस्तों, टाटा। सो जाते हैं आराम से, सो जाओ भाई। तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो करना मत बोले भाई। मैंने भाई वो नहीं बोले, उनको बोले। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, बोल रहे हो क्या? और कमेंट भी लिखिए भाई, कहाँ पे अच्छा लगा, कहाँ पे गड़बड़ हुआ। हाँ भाई ठीक है, गड़बड़ी भी बता दीजिए, सुधार देंगे हम, कोशिश करेंगे अगली बार।
तो सो जाते हैं, सो जाते हैं भाई फाइनली। चलो ये क्या है भाई? खरट मारना एक बात होती है, ऐसे आवाज है क्या? वैसे भी जंगल में खरट मार रहे हो या क्या मार रहे हो ये?